प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी अमेरिका के दौरे से वापस भी नहीं आए हैं, लेकिन देश की राजनीति अमेरिका के मुद्दे को लेकर तेजी से गर्मा गई है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना फादर ऑफ इंडिया पे करने पर ओबीसी ने कहा कि नरेंद्र मोदी दूर दूर तक फादर नहीं है। उसका कारण उन्होंने बताया कि GST, नोटबंदी जैसे देश के अंदर बहुत बड़े मुद्दे हैं, वे जिनपे आज तक कोई काम नहीं हो पाया है। डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन फिर भी आज गटरों में से लोगों की मौतें होती हैं। ऐसे मुद्दे बहुत सारे हैं जिन पे बात करेंगे तो बहुत बड़ी बात हो रही कि देश के अंदर रोजगार का नाम नहीं है। आज भी युवा बेरोजगारिता की चरम पर पहुंच गया है। वहीं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वह एक जाहिल आदमी है और पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है। उन्हें महात्मा गांधी जी के बारे में नहीं पता, अगर ट्रंप को मालूम होता तो इस तरह की जुमलेबाजी ना करते। वहीं महात्मा गांधी को राष्ट्रपति का खिताब इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने यह हासिल की थी, उन्हें उनकी कुर्बानी को देखते हुए यह उपाधि दी थी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बाबा साहब कहा जाता है। इस तरह के खिताब दिए नहीं जाते, हासिल किए जाते हैं। पंडित नेहरू सरदार पटेल ये हिंदुस्तान की सियासत के कदावर शख्सियत थी, उन्होंने कभी फादर ऑफ नेशन नहीं कहा गया। इस तरीके के नामों को उपाधित करते हुए डोनाल्ड ट्रंप को कई बार सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी शख्सियत है जिनको यह नाम और ये उपाधि दी नहीं जाती, ली जाती हैं। ओबीसी ने पीएम मोदी की ट्रंप से दोस्ती पर चुटकी लेते हुए ये भी कहा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका राष्ट्रपति के बीच की दोस्ती महंगी पड़ जाए। उन्होंने कहा कि एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप पीएम मोदी से हाथ मिलाते हैं और दूसरी तरफ ट्रंप पाकिस्तान को इमरान खान की प्रशंसा करते हैं। बता दें कि ट्रंप ने मंगलवार को न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इस दौरान उन्होंने नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि अगर मैं पहले के भारत को याद करूं तो वहां पर लोग अक्सर लड़ते रहते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने सभी को एक साथ लाने का काम किया है। उन्होंने सभी को एक पिता की तरह साथ लाने का काम किया है, शायद वो फादर ऑफ इंडिया हैं। इस तरीके की भाषा का डोनाल्ड ट्रंप को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जबकि अमेरिका के अंदर भी भारी विरोध प्रदर्शन हुआ था माननीय नरेंद्र मोदी जी का। ओबीसी ने ये भी कहा कि 50,000 नौकरी देने का वादा किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन इस देश के ऊपर जो शासन किया था वो अंग्रेजों ने करा था और अंग्रेज यहाँ पे सिर्फ अपना काम करने आए थे। ब्रिटिश जैसी कंपनियां यहाँ पर काम करने आई थी, उन्होंने उसके बाद यहाँ पर सत्ता हथियाने की भी कोशिश कर दी थी। क्या देश के अंदर रोजगार की कमी है? सिर्फ नीयत सही होनी चाहिए, यह कहते हुए ओबीसी ने तेज सर्राक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की खिंचाई की। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।